हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ चिली इडली रेसिपी। इडली को हमें चार पार्ट में कट कर लेना है और मैंने यहाँ पर एक घोल बनाया है जिसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच वेनेगर डाला है और इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। अब हम इसी घोल में सारी इडलियों को डुबा कर डीप फ्राई कर लेंगे। हमें हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है और इसे क्रिस्पी होने तक तलना है। हमारी इडलियाँ गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसमें कुटी हुई अदरक लहसुन हरी मिर्च डालेंगे करीब 1 चम्मच जितना। थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे स्क्वायर शेप में कटे हुए प्याज डालेंगे, इसे भी थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसकी सारी लेयर्स अलग नहीं हो जाती तब तक। अब हम यहाँ पे स्क्वायर शेप में ही कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 4-5 प्याज लिए हैं और 3 शिमला मिर्च ली है। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, इसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सॉसेस ऐड करेंगे, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच वेनेगर, 4 चम्मच टमाटो सॉस, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर 1/2 बाउल पानी में एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिलाने के बाद फ्राई की हुई इडलियों को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यह चिली इडली खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।